हेलो नमस्कार स्टूडेंट, मैं अभिषेक भार्गव, भार्गव क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है टॉप 20 करंट अफेयर्स। जो इंडिया के टॉप 20 करंट अफेयर्स हैं ये आज हम करने वाले हैं। आज है 31 दिसंबर, लास्ट दिन है, इसलिए हम 2018 के जो है टॉप 20 करंट अफेयर जो है वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनने वाला है, क्योंकि ये टॉप 20 पूरे साल 2018 के क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वही एक बात कि अगर अभी तक आप लोगों ने भार्गव क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके सामने जो बैल का आइकन आता है इसको जरूर प्रेस करिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब किसने जीता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जीता है मैक्सिको की वनीसा ने। ठीक है, मैक्सिको की वेनेसा पोंसे डी लियोन, इन्होंने जीता है। चीन में आयोजित, ठीक है, चीन में आयोजित हुआ था ये, सान्या सिटी में। कहां पर? सान्या सिटी। ठीक, यहां पर इनको मानुषी चिल्लर ने, मानुषी चिल्लर कौन है, 2017 मिस वर्ल्ड, ठीक है, भारत की, उन्होंने क्राउन पहनाया इनको। ठीक है, किन्होंने? मानुषी चिल्लर ने इनको क्राउन पहनाया। किस किने? वेनेसा पोंसे डी लियोन, कहां की है? मैक्सिको की। ठीक है, और इसके साथ साथ एक चीज और याद रखिएगा, इसके अंदर भारत की अनुकृति जो है वो टॉप 30 में रही, अनुकृति जो थी वो टॉप 30 में रही थी। ठीक है, तो आपको नाम याद होना चाहिए। ठीक, उसके बाद देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, फेमिना मिस इंडिया 2018 किताब किसने जीता। तो फेमिना मिस इंडिया 2018 किताब जीता तमिलनाडु की अनुकृति वास ने। किसने? अनुकृति वास ने, तमिलनाडु की। ये कहां पर हुआ था आयोजन? ये हुआ था मुंबई में। ठीक है, मुंबई में यह आयोजन किया गया था, जिसमें किसने जीता? फेमिना मिस इंडिया 2018 किताब अनुकृति वास, कहां की है? तो तमिलनाडु की। तो ये भी आपको याद रखना है। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन बने हैं। मैंने पूरा का पूरा इनके ऊपर वीडियो बनाया था, नए गवर्नर कौन बने थे, इससे पहले गवर्नर कौन थे, तो आप सभी को इनका नाम मालूम होना चाहिए और मालूम होगा। ठीक है, तो ये है शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास जो है वो बने हैं। ठीक है, 25वें जो है गवर्नर बने हैं। इससे पहले गवर्नर कौन थे? तो उर्जित पटेल थे, जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। ये भी शक्तिकांत दास जो है ये तमिलनाडु के 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, ये तो 110% जो है मैं यहां पर आपको लिख देता हूं, 110% आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक, चौथा प्रश्न है कि हाल ही में जारी किए गए इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत को किस स्थान पर रखा गया। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए 108वें रैंकिंग के अंदर इसको रखा गया है। ठीक है, पांचवा प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। ये प्रश्न का भी मैंने कई बार आप लोगों को वीडियो में बताया हुआ है, जितने बार करंट अफेयर कराया है या जितने बार भी आप लोगों को वीडियोस कराए करंट अफेयर वाले, उसके अंदर ये क्वेश्चन लिया हुआ है, इसलिए आप लोगों को याद होना चाहिए कि कौन है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो सुनील अरोड़ा जी ने संभाला है। ठीक है, उसके बाद में हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 किसे दिया जाएगा। हिंदी भाषा की बात की जाएगी तो हिंदी भाषा में जो है साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो किसे दिया जाएगा, तो वो दिया जाएगा चित्रा मुरदल को। किसको दिया जाएगा? चित्रा मुरदल को। देखिए, ये जो हिंदी भाषी, ये हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है हिंदी भाषा में जो दिया गया है, तो ये 24 अलग अलग भाषाओं में इनको जो है पुरस्कार की घोषणा की जाती है। ठीक है, तो इसमें हिंदी भाषा में किसको मिला है? चित्रा मुरदल को। उसके बाद है सातवां प्रश्न, इनमें से किस ने पहली बार विश्व हॉकी कप 2018 का खिताब जीता है। तो आप सभी ने देखा होगा ये जीता है बेल्जियम ने। किसने जीता है? बेल्जियम ने। उसके बाद है अंग्रेजी के प्रतिष्ठित किस साहित्यकार, साहित्यकार है को साल 2018 के लिए 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। देखिए, अंग्रेजी के प्रतिष्ठित, अंग्रेजी की बात की जा रही है, अंग्रेजी में के प्रतिष्ठित किस साहित्यकार को साल 2018 के लिए 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो यह दिया गया है अमिताभ घोष को। किसको दिया गया है? अमिताभ घोष को 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है अंग्रेजी के लिए। ठीक है, इससे पहले जो 53वां दिया गया था वो दिया गया था हिंदी के लिए। किसको दिया गया था? कृष्णा सोबती को। 53वां जो दिया गया था वो हिंदी के लिए दिया गया था 2017 में, और 2018 में 54वां जो दिया गया वो इंग्लिश यानी अंग्रेजी में दिया गया अमिताभ घोष को। अब देखिए, इसके साथ में मिलता क्या क्या है, तो इनको मिलेगा 11 लाख रुपए नगद पुरस्कार। उसके बाद इनको दिया जाएगा वाग देवी का जो है क्या दिया जाएगा, एक प्रतिमा दिया जाएगा। ठीक है, और प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। ठीक, तो हो गया 8 प्रश्न। 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने। अभी आप लोगों को मालूम होगा कि विधानसभा के चुनाव हुए 5 राज्यों में, तो आप सभी के राज्य के जो है मुख्यमंत्री के नाम याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो ये बने हैं कमलनाथ। ठीक है, कमलनाथ जो बने हैं मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बाद तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं,
तो तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं के चंद्रशेखर राव। तो नाम याद रखिएगा, के चंद्रशेखर राव। ठीक, ये सारे नाम आप लोगों को याद होना बहुत ज्यादा जरूरी। जैसे छत्तीसगढ़ के कौन बने हैं, तो भूपेश बघेल। ठीक है, राजस्थान के कौन बने हैं, तो अशोक गहलोत। तो ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में 11वां प्रश्न है कि इलाहाबाद का नाम, नया नाम क्या रखा गया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इलाहाबाद का नया नाम क्या रखा गया, तो ये रखा गया प्रयागराज। क्या रखा गया है, प्रयागराज जो है वो रखा गया। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 2018 का, तो ये रखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। 13वां प्रश्न है कि दिसंबर 2018 में किस राज्य में विधानसभा चुनाव नहीं हुए, तो ये ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो राजस्थान में हुए हैं, मध्य प्रदेश में हुए हैं, तेलंगाना में हुए हैं, तो बिहार में नहीं हुए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहार में नहीं हुए। ठीक है, 14वां प्रश्न है कि टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में वर्ष 2018 के लिए नामित किया गया है, तो किसको नामित किया गया है ये आप लोगों को बताना है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, पर्सन ऑफ द ईयर। ठीक है, टाइम पत्रिका के लिए, तो ये किसको नामित किया गया, तो ये किया गया जमाल खाशोगगी। ठीक है, किसको, जमाल खाशोगगी, इनको किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। उसके बाद 15वां प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से किस कश्मीरी पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है, ये कश्मीरी भाषा है, ठीक है, पुस्तक नहीं है, कश्मीरी भाषा है ये। कश्मीरी भाषा में जो साहित्य का, मैंने बोला था ना 24 जो भाषाओं में दिया जाता है, तो जो कश्मीरी भाषा की पुस्तक है उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 किसको दिया गया है, ये दिया गया आंख को। किसको दिया गया है, आंख, कश्मीरी भाषा के लिए। और कहानी जो इसके थे वो कौन थे, जो लेखक थे वो थे मुश्ताक अहमद, ठीक है, मुश्ताक अहमद मुश्ताक को दिया गया है कश्मीरी भाषा में आंख के लिए। किसके लिए, कश्मीरी भाषा में आंख जो है, इन्होंने ये आंख आंख, ठीक है, कश्मीरी भाषा में आंख जो है उसके लिए दिया गया है मुश्ताक अहमद मुश्ताक, आंख के लिए कश्मीरी भाषा। ठीक है, उसके बाद है सानिया नेहवाल ने हाल ही में किस बैडमिंटन प्लेयर से शादी की है, तो आप सभी को मालूम होगा कि 16 दिसंबर को सानिया नेहवाल ने जो है शादी की। सानिया नेहवाल कौन है, बैडमिंटन खिलाड़ी है, और जिनसे शादी की है वो भी बैडमिंटन खिलाड़ी ही है। तो आपको बताना है कि कौन है वो बैडमिंटन खिलाड़ी जिनसे उन्होंने 16 दिसंबर को शादी की है, तो उनका नाम है पारुपल्ली कश्यप। आप लोगों ने देखा भी होगा बैडमिंटन खेलते, ठीक है। इसके बाद में है पुणे इंटरनेशनल मैराथन 2018 किसने जीता, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो ये जो है वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा जो जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट लग रहा है। जैसे तो मैंने 20 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्ट करके निकाले हैं, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो ये जीता है अटलाविम डे बेबे है ये, ठीक है, डे बेबे इन्होंने जो है जीता है, ठीक है। विश्व शतरंज शीर्षक 2018 किसने जीता, यह प्रश्न जो है 110% आपके आगामी एग्जाम में पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो विश्व शतरंज शीर्षक 2018 किसने जीता है, ये कहां आयोजित हुआ था, तो ये आयोजित हुआ था लंदन में। कहां आयोजित हुआ था, लंदन में आयोजित हुआ था 9 से 28 नवंबर, ठीक। और ये जीता है मैग्रसन कार्लसन, ठीक है, मैग्रसन कार्लसन यही जीते हैं, इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में 19वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19वां प्रश्न है कि रंजन गोगोई सुप्रीम कोर्ट के कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं। अब आपको ये याद रखना चाहिए कि रंजन गोगोई जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अभी मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। कौन से नंबर के हैं, तो वो है 46वें नंबर के। इससे पहले जो 45वें नंबर के थे उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना है, ठीक है। तो आप बता दीजिएगा उनका नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर, ये तो 45, ये 46वें है, 45वें जो थे उनका नाम जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा कि क्या नाम था उनका, ठीक। उसके बाद में आता है सुप्रीम कोर्ट की तीसरी महिला अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल कौन बनी है, तीसरी महिला की बात हो रही है, यानी इससे पहले 2 और बन चुके हैं, ठीक है। तो आपको जो तीसरी महिला बनी है उनका नाम बताना है, तो तीसरी महिला जो बनी है वो है माधवी गोडिया दीवान। माधवी गोडिया दीवान जो बनी है ये तीसरी महिला है जो सॉलिसिटर जनरल बनी है, ठीक है। इससे पहले जो 2 महिला बनी है उनका नाम यही लिखा हुआ है, तो ये जो दोनों है इंदिरा जयसिंह और पिंकी आनंद ये भी जो है पहले बन चुकी हैं, तो ये 2 और ये तीसरी है, ठीक है। उसके बाद में 21वें प्रश्न की तरफ आते हैं। 21वां प्रश्न है कि भारत के नए वित्त सचिव कौन बने, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर आपको बताना है, क्योंकि मैंने तो टॉप 20 क्वेश्चन ही लिए थे, ठीक है, ये आप लोगों के लिए 21वां प्रश्न। तो 21वां प्रश्न जो है करंट अफेयर का पार्ट है, आप लोगों को क्या करना है, इस प्रश्न का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। वीडियो कैसा लगा वो भी आप लोगों को नीचे कमेंट करना है, लाइक जरूर करिएगा, बहुत मेहनत से सारे वीडियो बनाए जाते हैं। आप सभी को मालूम है कि आज 31 तारीख है, शाम हो चुकी है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, हमको भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो आज 31 है, आपको मालूम है साल का लास्ट दिन है, ठीक,
तो उस दिन भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मेहनत करना पड़ता है, तो थोड़ा सा एक लाइक कर दीजिएगा जिससे आपका खुश नहीं जाता, थोड़ा हमारा जो है मोटिवेशन जो है बढ़ जाता है ताकि आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाया जाए, ठीक है। तो देखने में भी अच्छा लगता है, और नीचे कमेंट सेक्शन में और कमेंट कर दीजिएगा कि इस टाइप के वीडियोस आप लोगों को चाहिए होते हैं। और जो मैं एक बात बता देता हूँ कि कल जो है 1 तारीख से अब जो है थोड़ा सीरियस वीडियोस जो है अपलोड किए जाएंगे, तो आपका जो CGPSC है, ठीक है, CMO है, और भी व्यापम के एग्जाम जो आने वाले हैं आगामी, उनके सभी के लिए धीरे धीरे कर पार्ट बाय पार्ट वीडियोस जो है अपलोड किए जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, जय भारत।